नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार का साइड इफेक्ट, डेटा प्रोटेक्शन बिल पर विचार कर रही है संसदीय समिति की चेयरपर्सन। चेयरपर्सन मीनाक्षी लेखी चार अन्य सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और इस वजह से नई संसदीय परिस्थिति बनी है। ऐसे में डेटा प्रोटेक्शन कानून अब जाता दिख रहा है ठंडे बस्ते में। कोरोना काल में 28 सदस्यीय समिति ने लेखी की अगुवाई में बिल का ड्राफ्ट यहां पर तैयार किया था। तो केंद्रीय कैबिनेट विस्तार का अब साइड इफेक्ट भी नजर आता है। डेटा प्रोटेक्शन बिल पर विचार कर रही है संसदीय समिति की चेयरपर्सन। चेयरपर्सन मीनाक्षी लेखी चार अन्य सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल हुए और इस वजह से नई संसदीय परिस्थिति यहां पर बनी हुई। और ऐसे में डेटा प्रोटेक्शन कानून अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आता है। कोरोना काल में 28 सदस्यीय समिति ने लेखी की अगुवाई में बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था। केंद्र में मोदी सरकार का भारी फेरबदल विस्तार, प्रदेश में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार। केंद्र और राज्य सरकार की कैबिनेट की औसत आयु औसत उम्र में मोदी कैबिनेट से 9 माह छोटी है गहलोत कैबिनेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल की औसत आयु है 58 साल जबकि गहलोत कैबिनेट की औसत आयु है करीब 57 साल। तो बेहद अहम है केंद्र में मोदी सरकार का भारी फेरबदल विस्तार हुआ, प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल हो सकता है। केंद्र और राज्य सरकार की कैबिनेट की औसत आयु है यहां पर औसत उम्र में मोदी कैबिनेट से 6 माह छोटी है गहलोत कैबिनेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल की औसत आयु है 58 साल जबकि गहलोत कैबिनेट की औसत आयु है करीब 57 साल। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय देने की इनसाइड स्टोरी, राष्ट्रपति भवन से जारी सूची में मांडविया का नाम चौंकाने वाला है। डॉक्टर हर्षवर्धन मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हुए भी हटाए गए। दूसरी ओर मौजूदा कैबिनेट में शामिल है 6 डॉक्टर्स, फिर भी मांडविया को बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि भाजपा में मांडविया को माना जाता है फार्मा कंपनियों का विशेषज्ञ। रसायन मंत्री के तौर पर कोरोना काल में जरूरी दवाओं की आपूर्ति की सुनिश्चित की उन्होंने। रेमडेसिविर की किल्लत थी तो उन्होंने सीधे प्रोड्यूसर से संपर्क साधा। ब्लैक फंगस की दवा कोसाकोन्जोल का उत्पादन भी यहां तेज कराया गया और साथ ही गुजरात की राजनीति के लिए भी मनसुख को तैयार किया जा रहा है। अगले साल गुजरात में चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है। पावरफुल पटेल समुदाय से आने वाले मनसुख सीएम के तौर पर पहली पसंद यहां पर बन सकते हैं। तो इनसाइड स्टोरी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय देने की इनसाइड स्टोरी है। राष्ट्रपति भवन से जारी सूची में मांडविया का नाम चौंकाने वाला था। डॉक्टर हर्षवर्धन मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हुए भी वो हटाए गए। दूसरी ओर मौजूदा कैबिनेट में शामिल है 6 डॉक्टर्स और फिर भी मांडविया को बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि भाजपा में मांडविया को माना जाता है फार्मा कंपनियों का विशेषज्ञ। रसायन मंत्री के तौर पर कोरोना काल में जरूरी दवाओं की आपूर्ति यहां पर सुनिश्चित की। रेमडेसिविर की किल्लत थी तो उन्होंने सीधे प्रोड्यूसर से संपर्क साधा। इसे लेकर ब्लैक फंगस की दवा कोसाकोन्जोल का उत्पादन भी तेज कराया गया और साथ ही गुजरात की राजनीति के लिए भी मनसुख को कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है। और अगले साल गुजरात में चुनाव को देखते हुए भी ये महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय। पावरफुल पटेल समुदाय से आने वाले मनसुख सीएम के तौर पर पहली पसंद बन सकते हैं। पीएम मोदी का नेताओं की बजाय अफसरों पर बढ़ा भरोसा, रेलवे जैसे बड़े मंत्रालय से लेकर स्टील और ऊर्जा तक इनके हवाले है। बिना देरी बड़े फैसले लेने, काम की रफ्तार बढ़ाने, निजी सेक्टर से तालमेल और तकनीकी सूझबूझ के लिए पीएम मोदी ने नेताओं की जगह अफसरों पर विश्वास जताया। ताजा मंत्रिमंडल फेरबदल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। केंद्र सरकार बड़ी जिम्मेदारी बड़ी संख्या में पूर्व अफसरों को दी है और बड़ी छलांग पूर्व आईएएस अश्विनी वैष्णव की मानी जा सकती है, जिन्होंने जनता के बीच कभी चुनाव नहीं लड़ा। पहली बार बीजेपी की मदद से राज्यसभा सांसद बने और रेलवे संचार आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय का उन्हें जिम्मा दिया गया है, यानी बेहद अहम मंत्रालय, बेहद अहम जिम्मेदारी यहां पर उन्हें सौंपी गई है। तो पीएम मोदी का नेताओं की बजाय अफसरों पर बढ़ा है भरोसा, ये नजर आता है। रेलवे जैसे बड़े मंत्रालय से लेकर स्टील और ऊर्जा तक इनके हवाले किया गया। बिना देरी बड़े फैसले लेने, काम की रफ्तार बढ़ाने, निजी सेक्टर से तालमेल और तकनीकी सूझबूझ के लिए ही पीएम मोदी ने नेताओं की जगह अफसरों पर विश्वास जताया है। ताजा मंत्रिमंडल फेरबदल इसका सबसे बड़ा उदाहरण। केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बड़ी संख्या में पूर्व अफसरों को दी है। बड़ी छलांग पूर्व आईएएस अश्विनी वैष्णव की मानी जा सकती है, जिन्होंने जनता के बीच कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। पहली बार बीजेपी की मदद से ही राज्यसभा सांसद बने वो और रेलवे संचार आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय का उन्हें जिम्मा मिला। प्रदेश में भर्तियों को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है, भर्ती प्रक्रिया ना रुके इसे लेकर सभी विभागों को पहले से निर्देश दिए गए हैं। भर्तियों में आने वाली अड़चनों को भी दूर करने के निर्देश हैं। डीओपी ने कई बार रोस्टर रजिस्टर मेंटेन करने के आदेश दिए थे, लेकिन जब नहीं माने विभाग तो अब सीएस ने हाथ में काम लिया है।
15 जुलाई तक रजिस्टर मेंटेन करके प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए गए। और इससे पूर्व कार्मिक विभाग 5 बार जारी कर चुका है परिपत्र, लेकिन अब सीएस ने इसे टाइम बाउंड कर दिया है, जिससे इस काम में पिछड़ने वाले विभागों की जिम्मेदारी तय हो सके और किया जा सके सीएम के मैंडेट को सही तरह से लागू। भर्तियों को लेकर सीएस के परिपत्र में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए। रोस्टर पंजिका के अभाव में भर्ती या पदोन्नति नहीं होने पर विभाग अध्यक्ष की जिम्मेदारी इसके लिए तय की जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो विभाग अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी होगी। तो प्रदेश में भर्तियों को लेकर गहलोत सरकार बेहद गंभीर है। भर्ती प्रक्रिया ना रुके, इसे लेकर सभी विभागों को पहले से निर्देश भी दिए गए हैं। भर्तियों में आने वाली अड़चनों को भी दूर करने के निर्देश है। डीओपी ने कई बार रोस्टर रजिस्टर मेंटेन करने के आदेश दिए थे, लेकिन जब नहीं माने विभाग तो अब सीएस ने अपने हाथ में काम लिया है। 15 जुलाई तक रजिस्टर मेंटेन करके प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए गए हैं और इससे पूर्व कार्मिक विभाग 5 बार परिपत्र भी जारी कर चुका है, लेकिन अब सीएस ने इसे टाइम बाउंड कर दिया, जिससे इस काम में पिछड़ने वाले विभागों की जिम्मेदारी तय हो सके और किया जा सके सीएम के मैंडेट को सही तरह से लागू। भर्तियों को लेकर सीएस के परिपत्र में भी इसे लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। रोस्टर पंजिका के अभाव में भर्ती या पदोन्नति न होने पर विभाग अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी तय की गई। अपने घर का सपना साकार करने का सबसे अच्छा मौका है। हाउसिंग बोर्ड ने बढ़ाया बुधवार नीलामी उत्सव योजना का दायरा। योजना में शामिल किए गए हैं 2985 नए आवास। जयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, भिवाड़ी और कोटपुतली में ये आवास है। अधिकांश मकान है जयपुर की विभिन्न योजनाओं में मौजूद। 50% तक की छूट पर ये मकान मिलेंगे। 19 जुलाई से शुरू होगी ई बिड सबमिशन, तो 50% तक की छूट इन मकानों में होगी। अपने घर का सपना साकार करने का ये सबसे अच्छा मौका है। हाउसिंग बोर्ड ने बुधवार नीलामी उत्सव योजना का यहाँ दायरा बढ़ा दिया है। योजना में शामिल किए गए हैं कुल 2985 नए आवास। जयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, भिवाड़ी और कोटपुतली में ये आवास है। अधिकांश मकान है जयपुर की विभिन्न योजनाओं में मौजूद। वही 50% तक की छूट पर ये मकान मिलेंगे। 19 जुलाई से शुरू होगी ई बिड सबमिशन। अपने घर का सपना साकार करने का यह सबसे अच्छा मौका है। हाउसिंग बोर्ड ने बुधवार नीलामी उत्सव योजना का दायरा यहां पर बढ़ा दिया है। योजना में शामिल किए गए हैं 2985 नए आवास। जयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, भिवाड़ी और कोटपुतली में ये आवास है जिन्हें शामिल किया गया है। इस बिट में अधिकांश मकान है जयपुर की विभिन्न योजनाओं में मौजूद भी 50% तक की छूट पर मिलेंगे ये मकान। 19 जुलाई से शुरू होगी ई बिट सबमिशन। अब ऑफिस आने पर लगेगा पार्किंग शुल्क। जयपुर जंक्शन पर आने वाले रेलकर्मियों से ये शुल्क लिया जाएगा। हाल ही में रेलवे प्रशासन ने ₹75 पार्किंग शुल्क देने के निर्देश दिए थे। अब कार्यालय आने के लिए पार्किंग शुल्क लेने पर विवाद खड़ा हुआ है। कर्मचारियों ने कहा कि ऐसा किसी भी सरकारी कार्यालय में नहीं होता है और जब मंडल कार्यालय व मुख्यालय में नहीं लगता पार्किंग शुल्क, तो फिर स्टेशन पर ही कर्मचारियों से क्यों ये शुल्क लिया जा रहा है। रेलवे के यूनियन कार्यालयों में भी बाहरी लोगों के खड़े होते हैं वाहन। यदि इनकी आवाजाही बंद हो तो वो विवाद भी सुलझ सकता है। अगर इनकी आवाजाही बंद कर दी जाए तो ये सवाल जरूर उठ रहा है। जयपुर जंक्शन पर आने वाले रेलकर्मियों से यहाँ पर शुल्क लिया जाएगा। ऑफिस आने पर लगेगा पार्किंग शुल्क। हाल ही में रेलवे प्रशासन ने ₹75 पार्किंग शुल्क देने के निर्देश दिए। अब कार्यालय आने के लिए पार्किंग शुल्क लेने पर यह विवाद खड़ा हो चुका है। कर्मचारियों ने कहा कि ऐसा किसी भी सरकारी कार्यालय में नहीं होता है और जब मंडल कार्यालय व मुख्यालय में पार्किंग शुल्क नहीं लगता, तो फिर स्टेशन पर ही कर्मचारियों से ये शुल्क क्यों लिया जा रहा है। रेलवे के यूनियन कार्यालयों में भी बाहरी लोगों के वाहन खड़े होते हैं और यदि इनकी आवाजाही बंद हो तो भी ये विवाद सुलझ सकता है। लाखों अभ्यर्थियों पर पड़ेगी शिक्षा विभाग के नए नियमों की मार। व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी पर इसकी मार पड़ेगी। स्नातक और पीजी में विषय अलग होने वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। नए नियम के तहत स्नातक और पीजी में एक ही विषय का होना अनिवार्य है। पहले स्नातक और पीजी में अलग अलग विषय होने पर आपत्ति नहीं थी और इसे लेकर अब शिक्षक संगठन मामले पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। पहले इस तरह के नियम नहीं थे, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों पर अब शिक्षा विभाग के नए नियमों की मार पड़ेगी। व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी पर इसकी मार पड़ने जा रही है। स्नातक और पीजी में विषय अलग होने वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। नए नियम के तहत स्नातक और पीजी में एक ही विषय का होना अनिवार्य है। पहले स्नातक और पीजी में अलग अलग विषय होने पर आपत्ति नहीं थी और इसको लेकर अब शिक्षक संगठन मामले पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। इस
स्नातक और पीजी में विषय अलग अलग होने पर अभ्यर्थी बाहर होंगे। नए नियमों की मार, यहां पर शिक्षक भाग में जो नए नियम लाए गए उसमें लाखों अभ्यर्थियों पर इसकी मार पड़ेगी। पहले स्नातक और पीजी में अलग अलग विषय होने पर आपत्ति नहीं थी, लेकिन इसको लेकर अब शिक्षक संगठन मामले पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी पर इसकी मार पड़ने जा रही है नए नियमों की वजह से। राज्य सरकार ऊर्जा खरीद की कीमतों को कम करने के लिए कटिबद्ध है। महंगी दर पर बिजली की खरीद को लेकर उठे सवालों पर स्पष्टीकरण आया है। ऊर्जा विभाग का इसे लेकर दावा है, सस्ती कीमत वाले संयंत्रों से मेरिट ऑर्डर बनाकर बिजली की अधिकतम खरीद होती है ताकि बिजली की औसत दर कम की जा सके, और इसी क्रम में बिजली एक्सचेंज से सस्ती बिजली मिलने पर महंगे संयंत्रों को बंद किया जाता है। राजस्थान डिस्कॉम ने विद्युत मांग की पूर्ति के लिए कर रखे दीर्घावधि के लिए एग्रीमेंट। विद्युत क्रम के लिए क्रय के लिए केंद्रीय राजकीय व निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं के साथ ये करार किए हुए हैं। सरकार के विशेष प्रयासों के कारण बिजली की औसत खरीद दर में 22 पैसे की गिरावट भी आई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिजली की औसत खरीद दर 4.77 रुपए थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में घटकर 4.55 रुपए रह गई है। तो अधिकतम खरीद यहां पर जो की जा रही है, बता दें आपको ऊर्जा विभाग ने इसे लेकर दावा किया है कि सस्ती कीमत वाले संयंत्रों से मेरिट ऑर्डर बनाकर बिजली की अधिकतम खरीद होती है ताकि बिजली की औसत दर यहां पर कम की जा सके, और इसी क्रम में बिजली एक्सचेंज से सस्ती बिजली मिलने पर महंगे संयंत्रों को बंद किया जाता है। राजस्थान डिस्कॉम ने विद्युत मांग की पूर्ति के लिए दीर्घावधि के लिए एग्रीमेंट भी कर रखे। विद्युत क्रय के लिए केंद्रीय राजकीय व निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं के साथ ये करार किए हुए हैं। सरकार के विशेष प्रयासों के कारण बिजली की औसत खरीद दर में 22 पैसे की गिरावट की आई है, और वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिजली की औसत खरीद दर 4.77 रुपए थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में घटकर 4.55 रुपए रह गई। बहुआयामी होगा वाहनों पर लगा फास्ट टैग, जल्द ही स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा पर भी काम करेगा। पार्किंग शुल्क और वे साइड फैसिलिटी भी फास्टैग से जुड़ेंगे। एनएचएआई के स्तर पर फास्टैग के विस्तार की योजना है। स्टेट हाईवे को लेकर फाइल पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पहुंची है। पीडब्ल्यूडी की मंजूरी के बाद स्टेट हाईवे पर भी फास्टैग लागू होगा, तो इसकी मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। लेकिन बहुआयामी होगा वाहनों पर लगा फास्टैग, जल्द ही स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा पर भी ये काम करेगा। पार्किंग शुल्क और वे साइड फैसिलिटी भी यहाँ फास्टैग से जुड़ेंगे। एनएचएआई के स्तर पर फास्टैग के विस्तार की योजना है। स्टेट हाईवे को लेकर फाइल पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पहुंची है, और पीडब्ल्यूडी की मंजूरी के बाद स्टेट हाईवे पर भी फास्टैग लागू होगा।